अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की सबसे फेमस डिश यानी कि दाल बाटी और चूरमा। बहुत ही टेस्टी होती है, तो आज यही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 6 लोगों के लिए दाल और बाटी बना रही हूं। तो मैंने एक कटोरी ली है मूंग की दाल, यानी ग्राम्स में देखी तो मैंने 220 ग्राम मूंग की दाल ली है और उसको मैंने पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है और उसको अब हम कुकर में डाल देंगे। और 1/4 कटोरी मैंने ली है चने की दाल, यानी कि एक कटोरी अगर आप मूँग की दाल ले रहे हैं तो उसके अंदर 1/4 कटोरी चने की दाल डाल दें। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है, तो इसको भी हम कुकर के अंदर डाल देते हैं। और इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट, ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। इसके बाद में हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 छोटी चम्मच नमक। दाल थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने नमक 1.5 चम्मच डाला है। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से नमक डालें। और 1.5 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। 3/4 छोटा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है जिससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच डाला है धनिया पाउडर। इसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी, 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और जब दाल बनती है तो वो फन कर कुकर से बाहर नहीं आती है, तो देसी घी इसके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी आपको दाल से 4 या 5 गुना डालना है, जितना आप रोज़ाना दाल बनाते वक्त डालते हैं अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल दें और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लें और कुकर को बंद कर लें। इसके बाद में 4 से 5 सीटी आने तक हम इसको गैस पे रख लेंगे और 4 से 5 सीटी होने के बाद में हम इसको बंद कर लेंगे। तो अब हम बाटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बाटी बनाने के लिए मैंने दरदरा आटा लिया है, और अगर आप कम बाटी बना रहे हैं तो कम आटा लें। मैं 6 लोगों के लिए बाटी बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा आटा लिया है। तो आटे के अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले अजवाइन। अजवाइन पेट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और इससे इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और इसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, यानी कि जितना आटा गूंथते वक्त आप नमक डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा नमक आपको डालना है ताकि बाटी फीकी ना लगे। और उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे देसी घी, और घी डालने के बाद में हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अगर आप कम आटा ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप उसके अंदर मोइन डालें और अच्छे तरीके से हिलाने के बाद में चेक कर लें कि मोइन बराबर है या नहीं। तो उसके लिए आप इस तरीके से मुट्ठी बनाकर चेक कर लें। अगर इस तरीके से मुट्ठी बन रही है, बिल्कुल देखिए इस तरीके से, तो आप समझ लें कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके बाद में आप हल्के गर्म पानी से ये आटा गूंथ के तैयार कर लें। हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करने से बाटी काफ़ी खस्ता बनती है और टेस्टी बनती है। तो और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। आटा हमें थोड़ा सा सख्त लगाना है, यानी कि ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए आटा, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये आटा गूंथ के तैयार कर लें। तो ये देखिए हमने बिल्कुल सख्त आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसकी बाटियाँ बना लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा ले लेते हैं और उसको अब हम इस तरीके से मैश करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गांठे या लम्स हो तो वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और उसके बाद में हम इसको इस तरीके से गोल शेप में बाटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी बाटी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से हम दूसरी बाटी भी बना लेते हैं। बाटी अगर अच्छी तरीके से हम मैश करेंगे तो वो पकने के बाद में फटेगी नहीं, और अगर आप इसको ठीक से मैश नहीं करेंगे तो बाटी पकने के बाद में फटने लगती है। तो ये देखिए सारी बाटियाँ बनाकर हमने तैयार कर ली है। तो अब हम इसको ओवन पर सेक लेते हैं। ओवन को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मैंने इसको 5 मिनट तक गर्म किया है और उसके बाद में अब हम सारी बाटियों को ओवन में रख लेते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे, यानी कि बिल्कुल कम आंच पर इसको पकाएं। कम से कम 10 मिनट के बाद में आप इसको चेक करें। 10 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं हटाकर। अगर बाटी नीचे से अच्छी तरीके से पक गई होती है तो अपने आप ही इस तरीके से ये अलग हो जाती है, और अगर वो नीचे से
ठीक से नहीं पकी हुई होती है तो वो उस पर चिपक जाती है। तो आप उसको बिल्कुल भी ना छेड़ें और उसको थोड़ी देर के लिए वापस ढक कर रख दें, क्योंकि जब वो अच्छी तरीके से सिक जाएगी तो अपने आप ही इस तरीके से ये अलग हो जाएगी। तो सारी बाटियों को हमने ये देखिए इस तरीके से वापस से पलट लिया है और इसको ढककर हम वापस रख देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी सिक के तैयार हो जाए। तो अब हम जब तक बाटी सिकती है तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है। आपको जितनी गाढ़ी और पतली दाल रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक तड़का पैन ले लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं हम देसी घी, और घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। और घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग। ध्यान रखिए हींग डालते समय फ्लेम को बिल्कुल कम कर लें। और उसके बाद में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच जीरा। इन तीनों चीज़ों के अच्छे तरीके से तड़कने तक हम इसको आँच पर रखेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम ही रखेंगे। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से तड़कने लगे तो उसके बाद में 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और फ्लेम को तुरंत बंद कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हिलाकर दाल के अंदर डाल देंगे और कुकर को 10 से 20 सेकंड तक इसी तरीके से रहने देंगे। तो 20 सेकंड के बाद में हम इसको वापस से चेक कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो अब हम इसके अंदर लास्ट में बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो ये देखिए दाल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है ये टेस्टी दाल बनाने का। तो अब हम वापस से बाटी चेक कर लेते हैं और बाटी को वापस से पलट लेते हैं, यानी कि बाटी बनाने में आपको कम से कम 1.5 घंटा ज़रूर लगेगा, यानी 45 से 50 मिनट आपको इसे लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल कम आंच पर इसको बनाना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये देखिए बाटी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको ढककर थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसी के अंदर रहने देंगे। तो अब मैंने 4 बाटी ली है और बाटी पर हम डाल देते हैं घी, क्योंकि घी के बिना बाटी तो बिल्कुल टेस्टी लगती ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा घी डालेंगे आप उतनी ही ज़्यादा टेस्टी आपको ये लगेगी। इसको पलट के भी इसके ऊपर थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। इसके बाद में एक थाली के अंदर हम इसको सर्व करेंगे। मैंने पहले से ही थाली के अंदर दाल डाल के रखी है और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये बाटी। इसके बाद में जो ये घी बच चुका है इसके अंदर हम इसी के अंदर चूरमा बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं 2 बाटी का चूरमा बना रही हूँ। तो बाटी को अच्छे तरीके से आप पहले हाथों से इस तरीके से तोड़ लें और इसको बिल्कुल बारीक करना है हमें से। बाटी थोड़ी सी गर्म है तो तुरंत इसके अंदर हम घी डाल देते हैं ताकि घी अच्छी तरीके से पिघल जाए। और अब हम इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से चूर के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बता रही हूँ। इससे ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से चूर के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर यानी 1/2 छोटा चम्मच और बारीक कटे हुए बादाम। आप अपने हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में अब हम इसके अंदर डालेंगे पीसी हुई शक्कर। मैंने 4 चम्मच इसके अंदर पीसी हुई शक्कर डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से शक्कर डालें और इसको अच्छे तरीके से मिला लें। तो ये देखिए चूरमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और कितनी आसानी से ये तीनों चीज़ें बन चुकी हैं।
तो अब हम दाल और बाटी चूरमे को प्याज और नींबू के साथ में डालकर सर्व करेंगे। बाटी को अच्छे तरीके से चूर कर उसके अंदर दाल डालें और प्याज और नींबू डालकर उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी और डालें और फिर उसको आप खाइए। आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको आप अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।